हेलो एस्टर, प्लीज यस ओपन द सनरूफ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द सुप्रीम मैक। तो आज मैं हूँ एमजी के शोरूम में, आपको एक ब्रांड न्यू कार की डिटेल्स एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस बताने, जो कि है एमजी एस्टर। तो जैसे कि पता है आपको, आज रेट आ चुके हैं एमजी एस्टर के, एंड जो मेरे सामने ये वेरिएंट है वो है एमजी एस्टर शॉप। तो इसका शॉप वेरिएंट है ZS, एंड जो इसका एक्चुअल प्राइस है वो हमें पड़ जाता है यहाँ पे 14.98 लाख का। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको उसका जो ऑन रोड प्राइस है वो भी बता दूंगा। तो गाइज, ये इस वक्त आपको एस्टर शार्प वेरिएंट अवेलेबल हो जाता है, बाकी के वेरिएंट्स जब आएंगे तो वो भी मैं कवर कर दूंगा। एंड कलर की बात की जाए तो इसमें वाइट कलर में अवेलेबल हो जाती है, इसमें ब्लैक भी आता है, रेड भी आता है, सिल्वर भी आता है। तो गाइज, उसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो इसका लेते हैं थोड़ा सा वॉक अराउंड, एंड मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्रंट में मॉरिस गैरेज की बैचिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर, एंड यहाँ पे भी आपको ऑटोनोमस लेवल 2 की बैचिंग होती है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, इसके एक्सटीरियर डोर हैंडल्स हैं वहाँ पे आपको क्रोम एंड बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं। एंड पीछे की बात की जाए तो गाइस, मैं आपको पीछे से बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको एमजी एस्टर विद ZS एंड एडहेस की बैचिंग देखने को मिल जाती है, एंड ये रहा इसका पीछे का लुक। तो गाइस, साइड से भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट है, एंड रेट वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका जो रेट आपको पड़ जाता है 14.98 लाख का। तो आज हम करेंगे इसके फुल डिटेल रिव्यू। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द सुप्रीम मैक, वहाँ जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कार की कीज़ बता देता हूँ। तो ये रही इसकी कीज़, कुछ ऐसे ही आती हैं, जहाँ पर आपको एमजी का बीच में लोगो देखने को मिल जाएगा, एंड रेड कलर की यहाँ पे सराउंडिंग भी देखने को मिल जाएगी। आगे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक एंड बूट ओपनर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा फैंसी कीज़ यहाँ पे लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट, एंड बात करें इसकी हेडलाइट्स की, तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। ऊपर हमें DRLs के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। की बात की जाए तो यहाँ पे आपको हेलोजिन में देखने को मिल जाएगी, एंड यहाँ पे आपको मॉरिस गैरेजेस की जो बैचिंग होगी वो देखने को मिल जाएगी। फ्रंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बीच में एमजी का लोगो देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पे कैमरा भी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, एंड ये रही इसकी फ्रंट की ग्रिल्स। एंड नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको और सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये सेंसर्स बने देखने दिख जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड साइड की बात की जाए तो ये रहे इसके इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs, जिसमें आपको टर्निंग इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, एंड ये बॉडी कलर है। तो यहाँ पे नीचे भी आपको कैमरा का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको ऑटोनोमस लेवल 2 की जैसे बैचिंग देखने को मिल जाती है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स में आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर्स ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों साइड में देखने को मिल जाता है, पीछे आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। एंड इसकी आपको ऊपर से रूफ रेल्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, शार्क फिन एंटीना का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। पीछे की बात की जाए तो यह रही इसकी हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स, एंड यहाँ पे आपको यहाँ पे रेयर वाइपर देखने को मिल जाएगा, एज वेल एज रियर डिफॉगर भी देखने को मिल जाएगा। टेलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको LED टेलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सेगमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे फुल मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पीछे की लाइट्स ऑन कर दी हैं, तो यहाँ पे बीच में उसके टर्न इंडिकेटर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड यहाँ पे जो इसकी टेलाइट्स है वो आपको LED भी देखने को मिल जाएंगी। तो पीछे का लुक मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, तो ये रहा इसका पीछे का लुक। एंड यहाँ पे आपको 3 पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं, पीछे भी आपको रेडार सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको AEB, FCW, फ्रंट कोलिजन वार्निंग एंड बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बूट को ओपन करते हैं। बूट को ओपन करने के लिए जैसे आपको MG के लोगों को यहाँ से प्रेस करना है, इसका बूट अपने आप ओपन हो जाएगा। तो बीच में आपको यहाँ पे बूट स्पेस भी देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आपको लाइट्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ये इसका छोटा फ्रिज है, साइड बाकी के एसेसरीज के साथ आता है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं इसको। एंड यहाँ पे इसके ऊपर पार्सल ट्रे का ऑप्शन भी आपको अवेलेबल हो जाता है। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है। इसके रेयर टायर आपको यहाँ आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे, अभी टायर एसेसरीज। तो करते हैं क्लोज इसके बूट को, एंड ये रही बाहर की कुछ डिटेल्स, एंड मैं आपको गाड़ी के डायमेंशन बता देता हूँ। तो गाइज, कार की लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 4.3 मीटर की लेंथ देखने को मिल जाती है। विड्थ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1.8 मीटर की विड्थ देखने को मिल जाएगी, एंड इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो हमको 1.6 मीटर की हाइट देखने को मिल जाएगी। इसका जो आप ग्राउंड क्लियरेंस है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी हो सकती है। व्हील बेस की बात की जाए तो यहाँ पे हमको 2.5 मीटर का व्हील बेस भी देखने को मिल जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड अगर टायर्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 17 इंचिस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इसकी रेयर सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टॉर्शन भी देखने को मिल जाएगी,
एंड फ्रंट की सस्पेंशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मैकपर्सन स्ट्रट देखने को मिल जाती हैं। तो गाइस 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगा है। एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे हमें ऑल डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाती हैं। टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 5.75 मीटर का टर्निंग रेडियस जो होती है कार अवेलेबल करा सकती है। एंड इसमें हमें ABS, EBD, BA, EPS ऑल सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे देखने को, ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। एंड फोर व्हील ड्राइव्स का ऑप्शन इसमें हमें नहीं अवेलेबल होता है, तो उसके लिए आपको एक हायर वेरिएंट परचेज करना पड़ेगा। तो चलते हैं कार के अंदर, मैं आपको अंदर की कुछ और डिटेल्स बता देता हूँ। तो गाइज बैठ चुका हूँ मैं कार के अंदर। एंड बात करें इसकी स्टेयरिंग व्हील की तो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। एंड बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स बोथ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन या फॉरवर्ड बैकवर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कॉल रिसीविंग का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी यहाँ पे ऑप्शन जो होता है कंट्रोल करने का देखने को मिल जाएगा। वॉइस कमांड भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। बीच में आपको MG का लोगो देखने को मिल जाएगा। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको MG का जो ऑटोनोमस लेवल 2 का जो फीचर्स होंगे वो यहाँ इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे ये रहा इसके फ्रंट के AC वेंट जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। एंड गाइस जैसे कि देख सकते हैं अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो ये यहाँ मेरे को फेस किया हुआ, अगर मैं पीछे बैठूंगा साइड पर बैठूंगा तो ये लेफ्ट साइड फेस करेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसकी डिटेल्स मैं आपको थोड़ी देर तक बता देता हूँ। नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बिग टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसे नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको AC के कुछ फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नीचे आपको 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट एंड चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल हो जाती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाती है। एंड इसमें आपको 360 कैमरे का जो यहाँ पे व्यू है वो भी देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको पार्किंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बॉटल्स रखने की जगह देखने को मिल जाएंगी। ये साइड पर आपको आर्मरेस्ट देखने को मिल जाती है ड्राइवर साइड। एंड बीच में इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है। एंड अगर सीट्स की बात की जाए तो देखा सीट्स इसमें आपको लेदर रैप सीट्स देखने को मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथ एंड डिसेंट बेज रेड कलर इसको बोलते हैं, वो इसका अंदर का कलर है। एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक AC कंट्रोल देखने को मिल जाता है, साइड पर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आपको एडजस्ट अपने हाथ से रोटेट भी हो सकते हैं एंड आपको इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ड्राइवर साइड सीट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इंटीरियर डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे स्टील फिनिशिंग में देखने को मिल जाएंगे। नीचे आपको यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। वन टच डाउन आपको ड्राइवर साइड देखने को मिल जाएगा। जो ORVM के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, इससे आप अपने हिसाब से ORVM एडजस्ट कर सकते हैं। एयरबैग्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये रहा पैसेंजर साइड का सनवाइजर। एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हो जाता है। एंड ये ड्राइवर साइड का सनवाइजर है, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन जो होगा अवेलेबल हो जाएगा, तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं। एंड गाइस यहाँ की बात की जाए तो ये थे इसके सनरूफ के कंट्रोल्स। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको सनरूफ को एडजस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आपको लाइट्स के कुछ कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, तो अपने हिसाब से आपको लाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे गाइस एक और फीचर है पैसेंजर एयरबैग्स का, तो आप मन चाहें तो इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। अगर आप सिंगल ड्राइव करें तो पैसेंजर एयरबैग ऑफ कर दें, अगर आपके साथ कोई है तो इसको ऑन कर सकते हैं। ये मैनुअल भी हो सकता है, एंड ये मैनुअली भी हो सकता है, एंड यहाँ से नीचे से भी हो सकता है। एंड ये रहा इसका IRVM, तो इसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइज पीछे का मैं आपको थोड़ा सा व्यू बता देता हूँ। तो ये रहा इसका पीछे का व्यू, तो काफ़ी अच्छी सीट्स हैं एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आपको हेडरेस्ट यहाँ पे सब में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज इसके इंटीरियर जो लुक्स है वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं। इसके जो पैसेंजर साइड डोर है वहाँ पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो बात करें इसकी टच स्क्रीन की, तो जैसे कि देख सकते हैं आपको बिग टच स्क्रीन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लाइमेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, नेविगेशन देखने को मिल जाती है, म्यूजिक, AC कंट्रोल सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसकी 360 कैमरा की बात की जाए तो जस्ट आपको प्रेस करना चाहिए का बटन, एंड यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपको 3D व्यू चाहिए तो आपको इसमें 3D व्यू भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। तो अगर वापस आना है तो वापस यहाँ पे आ सकते हैं। और सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये रही इसकी बहुत सारी सेटिंग्स, ब्लूटूथ फ़ोन की है, एस्ट्रो की है, क्योंकि इसमें आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसके कमांड देता हूँ अगर सनरूफ ओपन करने की, तो ये मेरी कमांड भी पकड़ लेगी आराम से। तो ट्राई करते हैं। हेलो एस्टर, यस, प्लीज ओपन द सनरूफ।
तो गाइज़ यहाँ पे सनरूफ जो है ओपन हो रहा है, एंड यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे सनरूफ का ओपन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जहाँ भी बंदा बैठा होगा ये वहीं पे देखती है, एंड वहीं से आपको जो कमांड होगी वो कंट्रोल कर सकती है। तो सनरूफ ओपन हो गया, एंड सनरूफ देखा जाए गाइज 90% का इसका रूफ जो कवर करता है, तो सनरूफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इसका। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे। तो सनरूफ को करते हैं क्लोज, एंड मैं आपको दोबारा से इसकी कमांड देखने को बता देता हूँ। हेलो एस्टर, आई एम लिसनिंग, प्लीज क्लोज द सनरूफ। तो गाइज इसको कमांड दी है, एंड सनरूफ अपने आप क्लोज हो रहा है। तो ये काफी अच्छा मुझे फीचर लगा यहाँ पे। तो ये इसके और भी आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपके जो इसके जो नए फीचर्स हैं, जो मुझे अभी एक्चुअली मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता, वो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आपको इसके अंदर के जो इंटीरियर्स हैं वो कैसे लगे हैं। गाइज कीज़ मैंने आपको बता दी है, कीज़ यही रही इसकी। तो ओपन ऑन करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। तो गाइज आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फुल डिजिटल देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर एंड सब कुछ आपको डिजिटल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एडवांस फीचर्स यहाँ पे अच्छे से दिए हुए हैं। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, जब भी कोई लेन शिफ्टर है तो आप इस अपने हिसाब से इसमें बीप करेगा। जब आपकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी तो ये 1 बीप करेगा, एंड जब आपकी स्पीड लिमिट यहाँ पे 120 से ऊपर चल जाएगी तो यहाँ पे आपको 2 बीप्स या बहुत सारी कंटिन्यूस बीप देखने को मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अलर्ट रखने के लिए, ये काफ़ी अच्छा फीचर है। एंड जब लेन शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको ORVM भी आपको बीप होगा। तो सेफ्टी वाइज गाइज काफ़ी अच्छी कार है, एंड कैब की रेटिंग अभी फिलहाल इसको मिली नहीं है, बट जल्द से जल्द इसकी रेटिंग भी आपको पता चली जाएगी। एंड स्पीकर्स देख सकते हैं, 6+ स्पीकर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। तो गाइज इंटरनल जो व्यू है, इनसाइड का व्यू है, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप चलते हैं, बाहर करते हैं इसके इंजन को ओपन। मैं आपको इंजन की कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो गाइज कर दिए इसके इंजन को ओपन, एंड इंजन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 1500cc का इंजन देखने को मिल जाता है। एंड गाड़ी की अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 108 BHP की पावर देखने को मिल जाएगी। टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 144 Nm की जो है टॉर्क देखने को मिल जाएगी। वारंटीज़ की बात की जाए तो बैटरी की वारंटी भी पता नहीं है कि नहीं है कि नहीं। एंड ईयर्स की हिसाब से बात की जाए तो 3 ईयर्स की वारंटी देखने को मिल जाएगी। एंड किलोमीटर्स के हिसाब से देखा जाए तो 45,000 किलोमीटर्स तक की आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको इसका इंजन कैसा लगा है, एंड ये रहे इसके ऊपर के इंसुलेशंस। तो करते हैं इंजन को क्लोज। तो गाइज ये रहा MG Aster का फुल डिटेल रिव्यू एंड स्पेसिफिकेशंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड कार भी। तो गाइज कार रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपको उसका आंसर भी कर दूंगा। एंड मैं यहाँ के सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाकर उनसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @thesupremeMac, वहाँ भी मैं रेगुलर पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, एंड हैव अ नाइस डे।